अब ये गोरे ने पोस्ट की भी है, आप देखिए अंदाजा लगाएं, अब मुझे आपको तो वैसे ही समझ आ जानी चाहिए ये बात। अब वो गोरे ने पोस्ट किया हुआ, कहता है कि मैं ना अपनी जो बेटी है उसके लिए जेंडर स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करना चाहता था, ठीक है, सो आई ब्रॉट अ फ्यू कार्स फॉर हर टू प्ले विथ एंड लेट हर बी एंड वेंट टू वर्क। व्हेन आई केम बैक शी वॉज स्लीपिंग एंड बोथ ऑफ आवर कार्स। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिन्फ़े आहन की बात चल रही थी तो मैंने सोचा कि ये मौका अच्छा नहीं है, इस वक्त लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं फ़ौज के ऊपर, लेकिन बहरहाल इतना ज़रूर है कि ISPR तक इतनी बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये फ़ौजें ऐसे लड़ती हैं जैसे आप लोग लड़वा रहे हैं। मुझे पता है कि माशाल्लाह हमारी आर्मी वन ऑफ़ द टफेस्ट, वन ऑफ़ द मोस्ट अकम्पलिश्ड आर्मी है, लेकिन ऐसे तो ना करें आप इंटरनेशनल सीन में इन होने के लिए, ये तो ना करें अब ट्राउज़र और शर्ट पहना आके अब आप लड़कियों को, हमारी बहनों को वो रस्सियों से चढ़वा रहे हैं और साथ लड़के उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और भाई वो तो ठीक ठाक बंदे का ईमान ख़राब हो जाता है। मतलब क्या चाह रहे हैं आप लोग? जैसे बाहर की आर्मियों में, आर्मीज़ में होता है इकट्ठे मर्द औरतें ठहराए जाते हैं और अल्लाह रहम करे वो अजीब सा मामा, फिर वो फ़ौज लड़ने के काबिल नहीं रहती। इस तरह की हरकतें और इस तरह की गलतियां ना करें कि वो जो बाद में रिग्रेट आपको करना पड़े। अगर आपने कोई ट्रूप बनाना ही है, जो आप बनाते हैं पहले, तो वो मेडिकल कोर है ना ख़वातीन की, और उसको सेपरेट रखें मर्दों से जिस हद तक हो सकता है, और वो मरहम पट्टी भी करें और सारे मामलात भी करें, उनकी ट्रेनिंग भी हो, सब कुछ हो, लेकिन वो ख़वातीन करें। बहुत ही लिमिट और रिज़र्व्ड अंदाज में अगर आपको मेल के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ रही है तो उस तरह से करें। ये क्या हो रहा है कि जी सज़ाएं दिल मर्द उन्हें दे रहे हैं ऐसे जैसे मर्द मर्दों को देते हैं, ना उनके सतर का ख्याल रखा जा रहा है ना कुछ। कुरान देखें, हम तो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं, हम तो कुरान को सीनों में बसाने वाले हैं। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पर बना है, ये कुरान कहता है कि ये जब औरतें बाहर निकलें तो अपनी ओढ़नियाँ अपने सीनों पर लटका लिया करें, अपनी ओढ़नियाँ जो हैं वो सरों से नीचे लटका लिया करें और अपने सीनों को ढांप लिया करें। तो जो आप कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। वैसे भी अच्छा खासा नेगेटिव सेंटीमेंट है आर्मी के ख़िलाफ़, अल्लाह ताला रहम करे, तो आप ये जो शरारती अनासिर हैं उनको और मौका ना दें। वो हर चीज़ को इस तरह के मतलब बतंगड़ बना लेते हैं, मतलब लोगों को, अल्लाह ना करे, ये खवारिज जो है, ये जो जहन्नुम के कुत्ते हैं, हुआ किलाबुन नार हदीस के मुताबिक, वो इसको इशू को कैश करा सकते हैं। तो ये जितना आपने ड्रामा चला लिया है बहुत अच्छा चला लिया, ठीक हो गया, लेकिन आपकी मेहरबानी होगी, इसको मेरे ख्याल में पॉज कर देना चाहिए, ये सही मौका नहीं है इसके लिए। दूसरी बात यह है कि आप इसका अगर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव या लॉजिकल पर्सपेक्टिव देखें तो वो ये भी है कि आप बच्चियों के जहन में इस तरह के अनरियलिस्टिक आप आइडियल्स क्रिएट कर रहे हैं जो अचीवेबल नहीं हैं। अब ये मतलब देखें ना, मैं वो बात नहीं करना चाहता जो आपको पता है कि इस तरह के पहले कितने ख्वातीन के आप लोग प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं, नहीं सक्सेसफुल होते। वो देखें, ये तो अब गोरा भी समझ गया है बात को, कि वो रेडिट के ऊपर ना, काफ़ी पुरानी बात है, मैं ब्लॉगिंग जिस दिनों में करता था तो रेडिट के ऊपर ट्रेंडिंग में एक चीज़ आ रही थी, मीम एक आ रही थी। अब ये गोरे ने पोस्ट की भी है, आप देखिए अंदाज़ा लगाएं, अब मुझे आपको तो वैसे ही समझ आ जानी चाहिए ये बात। अब वो गोरे ने पोस्ट किया हुआ, कहता है कि मैं ना अपनी जो बेटी है उसके लिए जेंडर स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करना चाहता था, ठीक है, सो आई ब्रॉट अ फ्यू कार्स फॉर हर टू प्ले विथ एंड लेट हर बी एंड वेंट टू वर्क। व्हेन आई केम बैक शी वॉज स्लीपिंग एंड बोथ ऑफ हर कार्स वर स्लीपिंग इन द बेड विद हर। और वो उसने साथ पिक्चर भी लगाई हुई थी कि वो जो गुड़ियों के छोटे छोटे बेड होते हैं ना, वो दो बेड्स उसने लगा के एक गाड़ी को भी ऊपर कपड़ा करके सुलाया हुआ है और दूसरी गाड़ी को भी कपड़ा करके सुलाया हुआ है। उसने उस वाक्य से ये रियलाइज किया कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स नहीं होते, ये नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है।
अब अल्लाह ने बनाया ही उस बच्ची को इसलिए है कि वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर को, सोसाइटी के डिफरेंट एक प्रोफाइल को, डिफरेंट पैराडाइम को मेंटेन रखे। एक एक जिम्मेदारी है उसकी, वो उसको मेंटेन रखे और सोसाइटी उसके मुताबिक चले। और मर्द को अल्लाह ताला ने दूसरे काम के लिए बनाया, तो अब वो उसकी उसकी फितरत में ये चीज़ है, कंसोल करना, संभालना, प्यार करना। मतलब शी इज़ नॉट मेड द वे वी वॉन्ट हर टू बी, तो इसलिए उसने उन गाड़ियों को भी ना गुड़ियों की तरह आराम से सुला दिया था। वो उनसे उस तरह नहीं खेल सकती सकी जैसा कि बच्चा खेलता है। बींग अ पेरेंट ऑफ मतलब टू बोथ मेल एंड फीमेल किड्स, आई कैन टेल यू, ये फितरत में होता है बच्चे की, औरत की, मर्द की। तो अगर आप इनके स्टीरियोटाइप इस तरह से इनको ना चेंज करने की कोशिश करेंगे और इनको ये सिखाएंगे, तो यू आर रेजिंग द रॉन्ग आइडियल्स फॉर योर चिल्ड्रन। मर्दों को जो अभी आर्मी में आगे आ रहे हैं, उनको आप क्या सिखा रहे हैं कि वहाँ लड़कियाँ मिलेंगी खूबसूरत देखने के लिए, उनको हम एक्सरसाइज करवाएंगे और ट्राउज़र पहनवा के उनको रस्सियों पर चढ़वाएंगे। तो मैं इसलिए आर्मी में आए, अगर ऐसे लोग आ जाते हैं कुछ 10 20 50 100 जितने भी आते हैं, और कितनी बुरी इंटेंशन है उनकी, तो वो क्या बनेंगे? आपको पता है आर्मी ने जाना होता है, फतह करने होते हैं इलाके, इंशाल्लाह वो वक्त करीब है, हम गज़वा हिंद भी लड़ेंगे। हमें तो वो फौज चाहिए जो इज्जतों की हिफाजत करने वाली हो, सरों पे दुपट्टे रखने वाली हो, कमीज सलवार और बुरके उतरवा के ट्राउजर पहनवाने वाली ना हो। तो वो देखें, जब फौजें फतह करती हैं तो मुसलमान फौज कौन सी होती है? वो फौज होती है जो औरतों के सरों पर चादर रखती है, किसी की इज्जत नहीं लूटती, किसी को बिला वजह कत्ल नहीं करती, जो आपके खिलाफ असला नहीं उठाता उसको बिला वजह कत्ल नहीं करती, निहत्ते शहरियों के ऊपर जुल्म नहीं ढाती, किसी का माल नहीं लूटती। औरतें और बच्चे उनको मजबूर मिल जाएं तो औरतों का रेप नहीं शुरू कर देते। हमें तो वो वाली आर्मी चाहिए, हमें तो डिसिप्लिनड आर्मी चाहिए, अखलाकी आर्मी चाहिए। तो उसके लिए उसके रिक्वायरमेंट्स बड़ी ज़्यादा हैं। बहुत अच्छा काम करी है हमारी आर्मी, लेकिन ये जो गलती है, मेहरबानी आपकी बड़ी, इससे पहले कि कहीं और से नेगेटिव सेंटीमेंट आए, तो बीइंग अ वेरी मतलब सिंसियर सपोर्टर ऑफ आर्मी, मैं आर्मी को ये सजेस्ट करूँगा कि ISPR को सजेस्ट करूँगा कि ये मुनासिब नहीं है, ये जितना हो गया इसको पॉज करें, ये ड्रामा सही नहीं है। फॉर टू रीजंस, नंबर वन रिलीजियस वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, सेकेंडली वी आर रेजिंग द रॉन्ग आइडियल्स फॉर आवर चिल्ड्रन। दोनों वजह से ये बिल्कुल सही नहीं है। जब आप रॉन्ग आइडियल्स क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए, और वो जब वो बाद में ब्रेक हो जाते हैं, वो आप टारगेट्स उन्हें देते हैं जो वो उस तरह से अचीव नहीं करते, उनकी होप्स शैटर होती हैं, तो उनको उनको वो ट्रॉमा भी हो सकता है। ख़ासकर बच्चियाँ, बहुत ज़्यादा हमारी बच्चियाँ इस वजह से भी इस वक्त ज़हनी मर्ज़ का शिकार हो गई हैं कि हम उनके लिए रॉन्ग आइडियाज़ क्रिएट करते हैं। यू हैव टू अचीव दिस, यू कैन बी इक्वल एंड बेटर देन मैन, एंड पता नहीं क्या क्या। दे आर इक्वल एंड बेटर देन मैन, बट इन देयर ओन परस्पेक्टिव। इफ़ यू जज एन एलिफेंट और अ फिश फॉर इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल स्पेंड ऑल ऑफ इट्स लाइफ थिंकिंग शी वॉज डम्ब। तो मछली का काम पानी में है, हाथी का काम ज़मीन पे, उसका अपना काम है। सबको आप एक इक्वल जो है ना वो टेस्ट पेपर, इक्वल एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो ये प्लीज़ रॉन्ग आइडियाज़ क्रिएट ना करें, प्लीज़ रीथिंक ISPR। मेरी आपसे बहुत ही मुखलिसाना रिक्वेस्ट है, बिकॉज इट कैन गो रॉन्ग इन सो मैनी एस्पेक्ट्स। तो आई होप कि इट विल नॉट फॉल ऑन डेफ ईयर्स।